Really, man? सरस पर माँ के कमरे में गई थी, उस वक्त उनके पैर में घुंघरू थे, नाच रही थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि अगर उन्हें उनके इस शौक से इतनी खुशी मिलती है तो उन्हें डांस नहीं छोड़ना चाहिए। जब माँ के कमरे में गए थे तो वो वहां घूंघट पहने हुए थी, वो ऑलरेडी वहां नाच रही थी। मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा जैसे उनके घूंघट भी वहां पे टूटे हुए पड़े थे। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती थी। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि अगर उन्हें उनके इस शौक से इतनी खुशी मिलती है तो उन्हें डांस करना नहीं छोड़ना चाहिए। और डैडी ने इस बात का इतना गंदा मतलब डैडी ने इस बात का इतना गलत मतलब निकाल लिया। एक्सप्लेन करने का मौका नहीं देता है। वो हमेशा कुसुम के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो तुम उसको देखो एक बार, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बाबर रोना आ रहा है। अच्छा रुक गया, मैं उसे जाकर समझाऊंगा। ओके उसकी हालत का जिम्मेदार वो खुद है। उसकी हालत का जिम्मेदार वो खुद है। कुसुम को गलत समझना उसकी कमजोरी है, वो हर बार अपना गुस्सा कुसुम पे नहीं निकाल सकता। मैं उसे समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगे? उसको लगता है कि उसके पत्नी ने उसकी माँ का दिल दुखाया है। एक पति को समझाने जाओगे तो बेटा नहीं समझे, और बेटी को समझाने जाओगे तो पति नहीं। उसे अपनी गलती का एहसास होगा, उसे उसे बस थोड़ा सा फर्क दो। देखो उसमें भाग और भी बढ़ जाएगी। क्या उसे बस बिना कुछ कहे सर सबसे पहले तो ये बताइए कि इससे पहले हमने एक सीन लिया था जिसमें आपकी वाइफ और गुमान दोनों फिर से उन लोग की तूतू मैं चल रही है, तो ऐसे में कितना मुश्किल हो रहा है आपके लिए कि दोनों जगह को संभालते हुए और दोनों को संभालना? देखिए गुमान को संभालना तो मेरा डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो मुझे संभालने की जरूरत ही नहीं है। कुमुद परेशान है, मुझे एक्चुअली पता नहीं है, एक्चुअली सरस्वती चंद्र को पता नहीं है कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। कुमुद बता नहीं रही है, तो जब तक पता नहीं चलेगा तब तक मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मगर इतना मुझे पता है कि वो परेशान घूम रही है काफी दिन से। अब वो क्यों घूम रही है वो खुद नहीं बता रही मुझे, तो जब तक पता चलेगा तभी रिएक्ट कर पाऊंगा। अच्छा इसके अलावा देखा कि अभी कुसुम भी बहुत बुरी तरीके से रो रही है और आप लोग कंसोल कर रहे हैं, आप और कुमुद मिलके। वो सीन ऐसा है कि जब मैं घर के अंदर एंटर हुआ तो जब ये सब तमाशा हुआ था, वो जो एक्शन सीक्वेंस हुआ था जब गुंडे आए थे बच्चों को किडनैप करने के लिए, उसके बाद हम घर लौटते हैं तो देखते हैं कि डैनी कुसुम पे चीख रहा है। अब हुआ ये है कि जो अभी बताया कुसुम ने ये बताया कि उन्होंने डैनी की मॉम को मतलब गुमान को घुंघरू गिफ्ट किए हैं जो उन्हें पसंद थे। अब दिखाया ऐसा जा रहा है, जो गुमान दिखा रही है, कि घुंघरू उसने उसे ऐसे दिए हैं, तो वो उसके सामने डैनी के सामने ड्रामा कर रही है कि तुम्हारी बीवी ने मुझे इंसल्ट की,
जबकि वो गुमान उसके साथ ही गेम खेल रही है कि आप तुम मुझे घुंघरू दोगे तो मुझे बहुत पसंद आएगा, मगर किसी को बताना मत। तो वो बेचारी भोली लड़की फिस गई है ना, इधर की रही है ना उधर की रही है, वो बता भी नहीं पा रही है और बोल भी नहीं पा रही है। तो उस चक्कर में डैनी उस पे गुस्सा हो गया है और इसलिए वो रो रही है। तो डैनी को किस तरह समझाएगा सरस? समझा दिया अभी बाहर सिंह किया। ठीक है, हमने देखा सरस डैनी को सपोर्ट करा है, कुसुम कुमुद कुसुम को सपोर्ट करी, क्या हो रहा है? मैं भी कुसुम को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे सीन में भी सपोर्ट मैं उसी का कर रहा हूँ, मगर जैसे कुमुद समझा रही है कि गुस्से से कुछ नहीं होगा, डांटोगे तो और बात बिगड़ सकती है, तो इससे अच्छा ये है कि तुम जाओ उसे प्यार से घर ले आओ, फिर यहाँ पे सुलझा लेंगे घर का मैटर। जो मेरा डैनी के साथ भी सीन हुआ था यही हुआ था कि मैं उसको बाहर गया, मैंने कहा देख घर की बात है, घर में झगड़ा हुआ है तो बाहर जाके तो कुछ सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, घर में बैठ के ही बात कर सकते हैं, आपस में बैठ के ही बात कर सकते हैं। तो मैं उसी यही कहकर उसे वापस लेकर आया, तो वही चल रहा हो गया। थैंक यू। मैंने पूछ लो ऐसे क्या बैठा हूँ दूर से आया तुम लोग, अकेले ऐसे जाओगे? खाना वाना खाया आप लोगों ने? नहीं, नाश्ता वाश्ता तो कर लो। होली के लिए आप लोगों ने क्या हो गया ऐसा, इतना खेल के आए? बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक्स अंदर चला जाओ। ऑर्डर सर। वाले दूसरी साइड पे, दूसरी साइड पे। हाँ हाँ ये रहे। रोल रोल बाय रोल बाय रोल एंड चला एंड एक्शन। क्या बोल कुछ नहीं, इतना गुस्सा क्यों? देखो प्लीज तुमने से कुछ नहीं, मुझे बताओ कि हुआ क्या है। मैं जब माँ के कमरे में गई थी तो मैं तो बस उन्हें इतना कहना चाहती थी कि अगर उनके इस शौक से उन्हें इतनी खुशी मिलती है। हाँ कुसुम नरेंद्र का ले लो ट्रैक पिछले। मतलब कौन? हाँ हाँ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आप सब हट जाइए। जब मैं माँ के कमरे में गई थी तो माँ ऑलरेडी नाच रही थी, उन्होंने ऑलरेडी घुंघरू पहन रखे थे, अरे तो मुझे कुछ नहीं था। मैं बस इतना कहना चाहती थी कि अगर उनकी उस खुशी से उन्हें इतनी, मैं बस इतना कहना चाहती थी अगर उनके इस शौक से उन्हें इतनी खुशी मिलती है तो उन्हें नाचना नहीं छोड़ना चाहिए। और डैनी ने उस बात का इतना गलत मतलब निकाल लिया। कितना बचपना है इस लड़के का, पता नहीं क्या सोच लेता है, और एक बार एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं देता। कोई भी बार कुसुम के साथ ऐसा नहीं कर सकता। नहीं सर, वो जिस हालत में है उसकी हालत का जिम्मेदार वो खुद है।